नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। आशा कर रहा हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो पिछले कल हमने डिस्कस किया था क्लर्क मेंस प्रैक्टिस सेट टेक। डिस्कस क्या किया था, मैंने आपके सामने रखा था, क्या बोलते हैं ना, सद की संसद के पटल पर मैंने प्रस्ताव रखा था। तो आज उसी भी दूसरा प्रस्ताव हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। तो बहुत बढ़िया आप लोगों ने काम किया यार भाई, बहुत सही लिखा। लेकिन हाँ, टाइम का ख्याल रखिएगा कि टोटल को सही कीजिएगा, इसकी स्पेलिंग वही है। फिर ड्यूरेशन 120 मिनट की, 2 घंटे में ही आप क्या करें, अपना टेस्ट कंप्लीट करें। तो चलिए शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन आएगा आपको 25 नंबर का कि राइट एन एसे ऑन दी फॉलोइंग इन इंग्लिश ऑफ 500 वर्ड्स। तो कौन सा लिखना है आपको? अरे यार चलिए, कौन सा लिखना है आपका? आपको लिखना है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन या एजुकेशन 25 नंबर का होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपको लिखना है कि राइट एन एसे ऑन दी फॉलोइंग इन हिंदी ऑफ 500 वर्ड्स, कोरोना के बाद का बदलता जीवन, कि कोरोना के बाद से जीवन किस प्रकार से बदला। क्वेश्चन नंबर 3 वही है कि ट्रांसलेट फॉलोइंग पैराग्राफ फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, ये आपका 15 नंबर का रहेगा। फिर ये देखिए, पैराग्राफ बहुत लंबा आपको दिया गया है कि ऑन 2 अक्टूबर 1869 पुतली बाई गेव बर्थ टू हर लास्ट चाइल्ड मोहनदास इन अ डार्क। चलिए जो भी है, पैराग्राफ बहुत लंबा है, मज़ा आएगा आपको लिखने का, बहुत लंबा है भाई। फिर चौथा क्वेश्चन की बात करें तो ट्रांसलेटिंग, माफ़ कीजिएगा, ट्रांसलेट फॉलोइंग पैराग्राफ फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, तो ऊपर इंग्लिश टू हिंदी में करना था, यहाँ पे हिंदी टू इंग्लिश करना है, ये भी 15 ही नंबर का है। यहाँ पे कल्पना चावला के बारे में कि भारत की महान बेटी कल्पना चावला करनाल हरियाणा भारत में जन्मी थी, उनका जन्म। चलिए कोई बात नहीं, इतना सा है, इंट्रोड्यूस हो गया। और ये वीडियो पता नहीं कितने बजे के टाइम अपलोड होगी, 8:23 हो गए। चलिए कोई नहीं, बात बाकी बातें बाद में। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से मेरा नंबर लीजिए, या मैं नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसी कामना के साथ आपका दिन शुभ बीते दोस्तों। जय हिंद, जय हिमाचल।